यूसीसी पर AIMPLB को मिला कांग्रेस का समर्थन। कहा, जहां मुसलमानों की आबादी वहां खोलेंगे सरी अदालत। जाने यूसीसी को लेकर AIMPLB क्या कहता है। नमस्कार दोस्तों, मैं रतन सिंह और आप सभी का ट्रिगर न्यूज में स्वागत है। देश भर में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। वहीं समान नागरिक संहिता के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मुहिम तेज हो गई है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एक प्रतिनिधि मंडल ने गुरुवार 6 जुलाई को कांग्रेस चीफ मल्लिका अर्जुन खड़गे से मुलाकात की और यूसीसी पर पार्टी से रुख साफ करने की अपील की, जिस पर लॉ बोर्ड को कांग्रेस का समर्थन मिल गया है। साथ ही शरद पवार और उद्धव ठाकरे से भी भरोसा मिल गया है। दरअसल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मल्लिका अर्जुन खड़गे, शरद पवार और उद्धव ठाकरे से बातचीत हुई। तीनों ने बोर्ड को कानून के खिलाफ अपना समर्थन दिया है। जानकारी के मुताबिक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अब इस मुद्दे पर बातचीत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात का वक्त मांगेगा। इससे पहले पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुस्लिमों से यूसीसी का विरोध करने की अपील की थी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अधिकारी प्रवक्ता कासिम रसूल इलियास ने एक मीडिया हाउस से कहा, कांग्रेस ने हमें आश्वासन दिया है कि वे हमारी बातों का संज्ञान लेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष ने हमसे कहा कि जब यूसीसी संसद में आएगा, वे बहस के समय हमारी बातों का लिहाज रखेंगे। उन्होंने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को यूसीसी पर मल्लिका अर्जुन खड़गे, शरद पवार और उद्धव ठाकरे का भरोसा मिला है। उन्होंने बताया, हम उद्धव ठाकरे से भी मिले। उद्धव ठाकरे ने हमसे कहा कि यूसीसी पर सबकी सहमति से ही कानून बनाना चाहिए। जब तक सबकी सहमति ना हो, ये नहीं बनना चाहिए। सबकी सहमति में अल्पसंख्यकों की सहमति भी शामिल है। लॉ बोर्ड के प्रवक्ता ने कहा, हम शरद पवार से भी मिले। पवार ने भी कहा कि वो यूसीसी के पक्ष में नहीं है। हम बीजेपी से भी मिलेंगे, प्रधानमंत्री से भी मिलने का वक्त मांगेंगे। अगर वो वक्त देंगे तो हम मिलेंगे। उन्होंने कहा, हम सरई अदालतें खोलना जारी रखेंगे। अभी देश में 100 से अधिक सरई अदालतें हैं। जहां जहां मुस्लिम पॉपुलेशन है, वहां सरई अदालत खोलने का हमारा प्लान है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिगर न्यूज।